तुम मॉडलिंग के प्रोफेशन में हो, है ना? हाँ, मैं एक मॉडल हूँ। मैं यहाँ शो के लिए आई हूँ और मैं सिद्धार्थ की फेवरेट मॉडल हूँ। वो मेरा मंगेतर है और बहुत जल्दी हमारी शादी होने वाली है। हे सिद्धार्थ, इधर आओ, मैं तुम्हें मेरी चाइल्डहुड फ्रेंड से मिलवाती हूँ। ये मेघना है और ये मेरी बेस्ट फ्रेंड है। हम बचपन से साथ में हैं। फर्स्ट टू एट, ना ना, फर्स्ट टू सेवेंथ हम एक ही क्लास में थे। ऐसा है क्या? वाह, पता ही नहीं था मुझे। जब हम छोटे थे तब हम नेबर्स थे। यार ये दुनिया कितनी छोटी है ना। है ना, आज मेरी बेस्ट फ्रेंड मिल गई। हे, तुम टैब बुक में नहीं हो इसलिए, वरना अब तक हम मिल चुके होते। इसमें क्या है? चॉकलेट केक। चॉकलेट केक, ये सिद्धार्थ का फेवरेट है। वाह, क्या खुशबू है। चलो जल्दी से इसे खाएं। चलो अंदर चलो। ये चॉकलेट केक तो बहुत टेस्टी है। वाओ, केक। हे गाइस, ये टेस्ट करो, ये लो। वाओ, हे सिद, ये तुम्हारे लिए। खाओ खाओ, तुम्हें भी बहुत अच्छा लगेगा। खाओ ना। नहीं, कैसा लगा? काफी सॉफ्ट केक है पर टेक्सचर थोड़ा हार्ड है। केक खाने दिया था, कपड़ा नहीं। जब देखो काम काम। सब रेडी है, शूटिंग शुरू करें। शूटिंग है? कौन सी शूटिंग? इनका इंटरव्यू। सिद्धार्थ का इंटरव्यू? मेघो, तुम लेने वाली हो? हाँ। वाओ, मुझे भी देखना है। चलो शुरू करते हैं। आपके हिसाब से फैशन क्या है मिस्टर सिद्धार्थ? देखिए, जब भी हम बाहर जाते हैं तो अच्छे से ड्रेसअप होकर जाते हैं, पता है क्यों? क्योंकि हम हमेशा खास देखना चाहते हैं। हम जिस तरह के कपड़े पहनते हैं उससे हमारी पहचान बनती है। अपनी खुद की आइडेंटिटी बनाना, यही फैशन है। अगर आप कहें कि मुझे तो पहले से ही गड़बड़ लग रही थी। कितना शाना है, शादी उस पूजा के साथ और साथ ही साथ तुम पर भी डोरे डाल रहा है। मैंने तो जब उसे पहली बार देखा तभी मैं समझ गया था तुम्हारी तारीफ क्या कर रहा है, साड़ी देकर तुम्हें खुश क्या कर रहा है। उसने कभी एक बार भी कहा कि वो तुमसे प्यार करता है? ए, चलो ना। चलो ना, चलता हूँ ना। किसी भी अनजान पर भरोसा करो, बाद में रोती सूरत बना दो। She's all right. वो बिल्कुल ठीक है। अरे चिंता मत कीजिए। हाँ, एक सेकंड। ए मेघना, मैं बाद में कॉल करता। बेटा, तुम्हारे फ्रेंड को केक पसंद आया? हाँ, याद है, उनकी बेटी पूजा तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड थी ना। सिद्धार्थ पूजा के साथ शादी करने वाला है। हाय। हाय पूजा, आज कोई काम तो नहीं है ना? फ्री हो ना? हाँ फ्री हूँ। क्या हुआ, इतनी उदास क्यों हो? नहीं, मैं बिल्कुल ठीक हूँ। I'm all right. ठीक है, मैं तुम्हें पिकअप करती हूँ, हम लोग शॉपिंग के लिए जाएंगे। ओके ओके, फाइन, सी यू देन। ऑल राइट, बाय, टेक केयर। ओके, मैं खुरानास के फंक्शन में क्यों जाऊं? मैं तो उन्हें जानती भी नहीं हूं। तो जान जाओगी, वो लोग बहुत ही अच्छे लोग हैं, तुम्हें उनसे मिलना ही होगा। वो लोग मेरे बहुत अच्छे दोस्त हैं और मेरे दोस्त मतलब तुम्हारे दोस्त। पर पूजा, इस तरह की ड्रेस मेहंदी फंक्शंस में ऐसी ही ड्रेस पहनते हैं। सिद्धार्थ भी खुश हो जाएगा कि हमने उसकी डिजाइन की हुई ड्रेस पहनी है। हाँ, तुम दोनों कैसे मिले? दिल्ली में हम दोनों नेबर्स थे, उसके और मेरे फैमिली के बहुत अच्छे रिलेशन है और उन्होंने कहा कि हम दोनों को शादी कर लेनी चाहिए। मैंने भी हाँ कह दी। और वैसे भी मुझे सिद्धार्थ बहुत पसंद है। क्या हुआ? पर्सनल लाइफ में वो कैसा है? वो ग्लैमर इंडस्ट्री में है इसलिए। वो एक जेंटलमैन है
और लड़कियों की बहुत इज्जत करता है। अरे इतना मत सोच, ट्रस्ट मी। मैम, ओह बिरयानी ऑर्डर, मैं सर्व कर दूं? हाँ कर दो। सो यम्मी, रायता मिलेगा प्लीज? अभी लाता हूँ मैम, और कुछ चाहिए? नो थैंक्स। हाय, बहुत प्यारी लग रही हो। नजर ना लगे। तो कैसा लग रहा है? यानी तुम्हारा सिक्स सेंस जो भी देखता है, बाद में वो घटना तुम्हारे सामने होती है। मतलब कहीं ना कहीं तुम भी उस घटना का हिस्सा होती हो। सो तुम उन दोनों को अच्छे से जानती हो। तो अगर सिद्धार्थ तुम्हारी दोस्त का खून करने वाला है, तो उसका कोई ना कोई मकसद होगा। या तो हो सकता है उस खून की वजह तुम हो। वो मुझसे प्यार नहीं करता पापा, शायद वो ऐसा बर्ताव हर लड़की के साथ करता हो। बहुत बड़ा फ्लर्ट है वो, मैं ही उसके बातों में आ गई। क्या वाकई ऐसा हो सकता है डॉक्टर? क्यों नहीं हो सकता? अगर दो बार हो चुका है तो तीसरी बार ऐसा क्यों नहीं हो सकता, बताइए? मेरे पास ऐसे जितने भी केसेस आए हैं, उनमें विजन देखने वालों की 99% बात सच होती है। मतलब ऐसे विजन के केस पहले भी हो चुके हैं? नहीं नहीं, एग्जैक्टली सेम ऐसे केसेस नहीं हुए हैं, क्योंकि एक्स्ट्रा सेंसिटिव परसेप्शन के कई रूप होते हैं। किसी में सिक्स सेंस एक्टिव होता है तो किसी में नहीं। जैसे मैंने किसी दोस्त को याद किया और तभी उसका फोन आ गया, इसे टेलीपैथी कहते हैं। उसी तरह कई बार हम किसी नई जगह जाते हैं तो महसूस होता है हम यहाँ पहले भी आ चुके हैं, उसे डेजा वू कहते हैं। और ये सभी ESP का ही हिस्सा है। लेकिन मेघना जो भी विजन्स देखती है वो थोड़े अलग हैं। मतलब वो सिर्फ भविष्य में होने वाली बुरी घटनाओं को ही देखती है। पर ऐसा क्यों हो रहा है? क्या इन्हें रोक नहीं सकते? हमें कई बार ऐसा महसूस होता है कि हमारे साथ कुछ गलत होने वाला है, पर मेघना में ये सेंस कुछ ज्यादा ही एक्टिव है, इसीलिए तुम्हें ये विजन्स दिखाई देते हैं। और आपके सवाल का जवाब, क्या इसे रोक सकते हैं? जैसे सिक्योरिटी गार्ड को बचाया था, तुम अपनी दोस्त को भी बचा सकती हो। लेकिन कैसे, ये सोचना होगा। इसमें सोचने की क्या बात है, मैं जाकर पूजा को सब बताती हूँ, अपने विजन्स के बारे में, सिद्धार्थ के बारे में, सब कुछ। नहीं नहीं मेघना, जल्दबाजी मत करो। अगर तुम अभी पूजा को बताओगी तो हो सकता है वो इसे किसी तरह का मजाक समझे और हमारे लिए इसे संभालना मुश्किल हो जाए। सही वक्त का इंतजार करो। आपका मतलब मैं कुछ न करूं? अभी तो फिलहाल के लिए तुम उनके बीच की रिलेशनशिप को ऑब्जर्व करो। Thank you.
निकिता। ब्यूटीफुल, उसके बाल भी मेरे जैसे हैं, है ना? या। ओके, ठीक है। ओके। तानिया। ये भी बहुत अच्छी लग रही है। या, नाइस। इसका भी नाम लिखो। ओके। नेक्स्ट नेक्स्ट। ओके। शीज़ प्रीति, फ्रॉम मुंबई। वेस्टर्न के लिए ठीक है, लेकिन ट्रेडिशनल वेयर के लिए कोई चाहिए। मेघना कैसी रहेगी? अरे परफेक्ट। हाँ, मेघना सही है। सिद्धार्थ ने मेघना से मॉडलिंग करवाई, शी वॉज परफेक्ट। सच्ची? मुझे किसी ने बताया ही नहीं। तुम भी सिद्धार्थ की मॉडल बनी थी। परफेक्ट मॉडल थी। क्योंकि ये है ही इतनी खूबसूरत। दोस्त किसकी है? बाद में बात करते हैं। हे सिड, तुम्हारे शो की ब्यूटीफुल शो स्टॉपर मिल गई। मेघना कैसी लगी? अगर ये पहनेगी तो मेरे डिजाइन में चार चांद लग जाएंगे। तारीफ करने में तो एक्सपर्ट हो तुम। लड़कियों को इम्प्रेस करने की टेक्निक बहुत अच्छी तरह से आती है तुम्हें। कितनी लड़कियों के साथ ऐसा किया है? आखिरकार ये भी तो एक आर्ट है। वैसे तुम दूसरों को बेवकूफ बना सकते हो, पर खुद को नहीं, और मुझे तो बिल्कुल नहीं। क्यों, बहुत गुस्सा आ रहा है? मैं सब कुछ जानती हूँ, सब कुछ जानती हूँ।